दोस्तों ज्यादातर लोगों का एक दिक्कत होता है, उनका समझ में नहीं आता है डबल कटोरी ब्लाउज पे कटोरी का जो मेजरमेंट है ना वो कैसे लेना है, अलग अलग साइज के हिसाब से बॉडी से कैसे मेजरमेंट लेना है। और जब कटोरी काटिंग होता है ना उस टाइम पे अपर चेस्ट के हिसाब से होता है या फुल बस्ट के हिसाब से होता है, वो भी उनका समझ में नहीं आता है। और इसमें और एक बात, डबल कटोरी ब्लाउज पे फुल बस्ट का जरूरी होता है या नहीं होता है, अगर जरूरी होता है उस टाइम पे कब यूज होता है पूरा मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आप लोग देख लो डबल कटोरी ब्लाउज के लिए कटोरी के लिए कैसे मेजरमेंट लेना है। कटोरी का मेजरमेंट आपको हमेशा अपर चेस्ट के हिसाब से लेना है। आपको यहाँ पे नॉर्मल तरीके से रखना है, रखने के बाद यहाँ पे आपको फोर फिंगर रख देना है। अगर फोर फिंगर नॉर्मली आते हैं उस टाइम पे आपके लिए परफेक्ट है। तो डबल कटोरी ब्लाउज पे कटोरी का जो मेजरमेंट होता है ना वो आपका अपर चेस्ट के हिसाब से होता है, लेकिन इसमें फुल बस्ट भी जरूरी होता है। क्यों होता है देखिए, पहले फुल बस्ट का मेजरमेंट कर लेती हूँ। देखिए मेरे यहाँ पे नॉर्मली 37 हुआ है यहाँ पे फोर फिंगर रखने के बाद, लेकिन इसके साथ हमें और भी वनिश ऐड करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी साइज का ब्लाउज हो मेजरमेंट लेते टाइम फुल बस्ट पे आपको वनिश एक्स्ट्रा लेना है। तो टोटल मैं फुल बस्ट यहाँ पे 38 रखूंगी, तो मेजरमेंट यहाँ पे मिल गया है। अभी फुल बस्ट कहाँ पे यूज करना है और अपर चेस्ट कहाँ पे यूज करना है देख लीजिए। मेरे यहाँ पे अपर चेस्ट कितना मिला है, 33.5 इंच। अपर चेस्ट 33.5 इंच मिल गया है और फुल बस्ट यहाँ पे मिला है मेरा 38। अभी देख लो मेन बात, मैं जिस तरह से ब्लाउज काटिंग करती हूँ ना मेरे मेथड पे, पहले आपको बैक पार्ट काटिंग करना है और बैक पार्ट हमेशा आपको अपर चेस्ट के हिसाब से ही काटिंग करना है। बैक पार्ट काटिंग करने के बाद बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद बैक पार्ट के हिसाब से चारों ओर घुमा के हमें निशाना लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे निशाना लगा लिया, लेकिन नीचे की तरफ जरूरी नहीं होता है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। देखिए यहाँ तक बैक पार्ट है, लेकिन इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ज्यादातर लोग का क्वेश्चन होता है 1.5 इंच में एक्स्ट्रा क्यों लेती हूँ। देखिए डायरेक्ट फैब्रिक पे काटिंग दिखाती हूँ मैं, सिलाई मार्जिन के लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हो गया यहाँ पे। अभी पहले आप नेक डेप्थ ले लो फ्रंट का। डबल कटोरी ब्लाउज पे आप यहाँ पे 7 इंच या 7.5 इंच रख दो, तब देखिएगा बहुत ही अच्छा होगा। अब इसको सीधा करना है। हो गया, अभी नेक का चौड़ाई ले लो 2.5 इंच में इसमें रख देते हूँ। अभी ये जो मिस का है ना ये हमें जरूरी नहीं, इसको मिटा लेना है। अब इसमें गुलाई देना है, गुलाई हमेशा आपको इस तरीके से अंदर के साइड से दबा के देना है, तब फ्रंट साइड का इस साइड का जो फिटिंग है ना बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें देखिए पहले बास्ट पॉइंट ले लो, बास्ट पॉइंट आप चाहो तो डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे 12 इंच से 2 सूत कम रखूंगी, आप ऐसे भी ले सकते हो या चाहो तो हमेशा जैसे मैं लेती हूँ ना 6 इंच, उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच आप ऐसे भी ले सकते हो। अब इसको सीधा करना है। अभी यहाँ पे जो कॉटरी है ना कॉटरी का मेजरमेंट कैसे लेना है, तो कॉटरी का मेजरमेंट हमेशा आपको अपर चेस्ट के हिसाब से लेना है। जितना यहाँ पे आपका अपर चेस्ट है ना, देखिए 33.5 इंच, इसको 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड करने से यहाँ पे कितना होता है देखिए 3.35 इंच। तो अगर आपको इस तरीके से निकालने में दिक्कत होता है आप कोई भी एक मोबाइल ले लीजिएगा, मोबाइल पर जो कैलकुलेटर होता है ना आप उसमें बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। तो देखिए जितना मिला है ना पहले उतना यहाँ पे मेजरमेंट कर लो। अभी सेम उतना ही प्लस करना है, जितना मिला है पहले सेम प्लस करना है। हो गया, तो आपका कॉटरी का मेन मेजरमेंट मिल गया है, लेकिन इसके साथ आपको और भी एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है, नहीं लेने से आपका कॉटरी छोटा होगा। अभी यहाँ पे कैसे लेना है वो ही आपका मेन बात। इसमें आपको क्या करना है, आपको फुल बस्ट देखना है, आपका अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट कितना ज्यादा है और कितना छोटा है। इसमें 33.5 इंच अपर चेस्ट है लेकिन फुल बस्ट 38 है, तो इसमें कितना ज्यादा फर्क है आप लोग खुद देख सकते हो। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है, जिनका अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट बिल्कुल भी नहीं है उनको क्या करना है, इसके साथ सीधा हाफ पीस लेना है। देखिए यहाँ पे हाफ पीस, हाफ पीस पहले लिख लेते हैं, हाफ पीस इसके साथ प्लस। तो अभी देखिए
जिन लोगों का अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट उतना छोटा भी नहीं है और उतना ज्यादा भी नहीं है, उस टाइम पे आपको पौने एक इंच लेना है, 0.75 इंच आपको यहाँ पे लेना है। तो देखिए, जिन लोगों का अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट बहुत ज्यादा हेवी होता है, उस टाइम पे आप यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे महिला होता है जिन लोगों का अपर चेस्ट के हिसाब से फुल बस्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत हेवी से भी हेवी है, 3XL होता है, तो उन लोगों के लिए आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। इसके साथ ये जो पहला मेजरमेंट मिला ना, पहला मेजरमेंट के साथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रख देना है। तो इस तरीके से आपको डबल कोटरी ब्लाउज पे कोटरी के लिए मेजरमेंट लेना है। मैं हर एक वीडियो पे नहीं बोलती हूँ क्योंकि देखिए वीडियो बहुत लंबा होता है, तो जिसके कारण मैं शॉर्टकट में आपको बोलने की कोशिश करती हूँ। आपका ये जो तरीका है ना, ये परफेक्ट तरीका है। आप इस तरीके से किसी के लिए भी आप डबल कटरी ब्लाउज करके देखिएगा, आपका ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए और एक बात, अगर आप बिल्कुल न्यू हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो मेजरमेंट पहले मिलते हैं ना, जो मेजरमेंट, ये जो मेजरमेंट मिला है ना, इसके साथ आप सीधा हाफ इंच रख दो। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, हाफ इंच लेने से जिन लोगों का फुल बस्ट हेवी है उनका तो नहीं होगा ना, जरूर होगा। आपको क्या करना है, फिटिंग्स करते टाइम उसमें लूजिंग करके देना है। अगर किसी को 36 चाहिए अपर चेस्ट, उस टाइम पे आपको 38 पे फिटिंग्स देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसमें देखिए मैं कितना रखूंगी, जितना मिला है ना उसके साथ ही मैं यहाँ पे 1.25 एक्स्ट्रा रख दूंगी, हो गया। अभी जितना मिला है ना उसका मिडल निकाल दो। अभी ऊपर की तरफ 1 से 2 सू ज्यादा उठा लो, जैसे नॉर्मली हमेशा करती हूँ ना, बिल्कुल वैसे आप कर लो। इसमें हल्का दबा दो। अभी जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, हो गया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है, मिलने से पहले हल्का सा बाहर की तरफ लेके जाना है। अभी यहाँ से यहाँ तक 4 इंच रख दो, इसको सीधा कर दो, इसको भी सीधा कर दो। यहाँ से जितना ऊपर की तरफ होगा ना, सेम नीचे लेके आना है ऐसे। और यहाँ से 1.25 उठा दो, इसको तिरछा करके मिला दो, इसमें हाफ इंच दे दो, हो गया। अभी जो पार्ट है ना, ये कैसे लेना है, ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसका मिडल निकाल लो। निकालने के बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ, देखिए ऐसे 1 इंच, लेकिन इसको सीधा नहीं रखना है, इसको हमेशा ऐसे तिरछा करना है। तो हो गया है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, पूरा कम्प्लीट हो गया है। तो बेल्ट कैसे करना है उसके लिए आप मेरा कोई भी वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा पूरा परफेक्ट। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जिन लोगों का दिक्कत होता है डबल कोटेड ब्लाउज पे कोटरी के लिए मेजरमेंट कैसे निकालना है। इसके बाद भी कोई भी डाउट आपको रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आने का लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।